गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल लक्षा. टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट. योर चैप्टर नंबर 4 इज एयर. एयर यानि हवा, पवन. तो स्टूडेंट्स, हमने ये 4th चैप्टर एयर है वो हमने आगे के जो वीडियो देखे थे उसमें हमने ये पूरा चैप्टर समझ लिया. आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर. तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है. तो आंसर आएगा, एटमॉस्फेयर क्या है. तो एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. यानी उसका ब्लैंकेट मतलब थिन एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जो ब्लैंकेट होता है वो थिन होता है एयर दैट एयर का, और वो सराउंड द अर्थ, अर्थ के सराउंड में. और इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज, वो भी सन के पर. इट कंसिस्ट ऑफ लेवर सेवरल गैसेस इन विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन. यानी वो कंसिस्ट करते हैं सेवरल गैसेस, वो भी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के ऑक्यूपाई के, और वो मेजर पोर्शन. सेकेंड क्वेश्चन है, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफियर. ये कौन, वो टू गैसेस कौन है जो बिल्क ऑफ द एटमोसफियर के है. तो नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन है वो 21%. मेक अ, वो क्या मेक करते हैं बिल्क ऑफ एटमोसफियर पर मेक करते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इसकी प्रिपरेशन बराबर करनी होगी. विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउसेस इफेक्ट इन द एटमोसफियर. तो हमें वो कौन सा गैस क्रिएट करता है ग्रीन हाउसेस इफेक्ट करने के लिए, वो भी एटमोसफियर में. तो वेदर मतलब क्या, कौन सा होगा वो गैसेस. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट ग्रीन हाउसेस इफेक्ट इन द एटमोसफियर. कौन सा मतलब इफेक्ट करता है ग्रीन हाउसेस क्रिएट करने में एटमोसफियर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज वेदर. वेदर क्या है, एटमोसफियर वेदर, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है. तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट इज वेदर. तो वेदर इज अ हवर टू हवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर. ये वेदर क्या है, हवर टू हवर यानी वन हवर से हवर, डे से डे, एक डे से दूसरे डे तक वो कंडीशन ये होती है मतलब इसके पर. तो एटमोसफियर पर भी कंडीशन होती है. नेम थ्री टाइप ऑफ रेनफॉल. ये थ्री टाइप ऑफ रेनफॉल के हमें मतलब उसके नेम बताने हैं, कौन कौन से थ्री टाइप है. तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, फिर ऑरोग्राफिक रेनफॉल और काइक्लोनिक रेनफॉल. ये थ्री रेनफॉल्स हमने आगे देखे थे. व्हाट इज एयर प्रेशर. एयर प्रेशर क्या है. तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द एयर प्रेशर. यानी जो प्रेशर एक्सर्टेड है बाय द वेट, जो उसका वेट होता है वो एयर ऑन द अर्थ पर सरफेस करता है, इस नोन उसे क्या कहते हैं, अर्थ प्रेशर कहते हैं. इसके बाद टिक द करेक्ट आंसर, यानी हमें वो जो करेक्ट आंसर है वो टिक करने हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स ऑफ अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज. कौन सा गैसेस जो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सन रेज में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन. तो कौन आएगा, ओजोन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है. तो क्या आएगा, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर या मेसोस्फियर. तो कौन आएगा, ट्रोपोस्फियर आएगा. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. तो कौन आएगा, लेयर्स ऑफ द मतलब कौन सा लेयर्स आएगा जो एटमोसफियर में फ्री फ्रॉम क्लाउड्स करता है. तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर. तो कौन आएगा, स्ट्रेटोस्फियर. As we go up the layers of the atmosphere, the pressure. कौन आएगा, तो as we go मतलब कौन सा layer जो होता है atmosphere पर, the pressure करता है. तो increases मतलब कितना करता है, decreases करता है. Rain remains the same. तो क्या आएगा, decreases. When precipitation
कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फ्रॉम इज कोल्ड, मतलब लिक्विड फ्रॉम में जो प्रिसिपिटेशन करता है वो कौन है, तो रेन, क्लाउड, स्नो, रेन, तो कौन आएगा, रेन होता है, वो लिक्विड फ्रॉम में होता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, तो फर्स्ट है तुम्हारा, फर्स्ट है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या है, तो उसमें क्या आएगा, प्रिमेंट एंड प्रिमेंटन वाइंड, तो इसमें कौन आएगा, ई, प्रिमेंट प्रिमेंटन वाइंड। लू, ये सेकंड है लू जो हमने आगे देखा था, तो कौन आएगा, लोकल वाइंड, वो क्या है, लोकल वाइंड, एफ। उसके बाद है मॉनसून, मॉनसून क्या होगा, सीजनल वाइंड होगा, तो बी। उसके बाद है वाइंड, वाइंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है लीव, गिव रीजन, हमें इसके रीजन बताने हैं। वेट क्लोथिस टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे, मतलब जो कपड़े गीले होते हैं, वेट होते हैं, टेक लॉन्गर टाइम में ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे, तो क्या उसका रीज़न क्या है, हमें बताना है वो, मतलब कौन सी, मतलब हमें वो बताना है कि सीजन कैसी होती है, कौन से डे, मतलब कैसा डे होता है, ह्यूमिड डे, तो उसमें ड्राई बहुत होता है लॉन्गर टाइम, इसीलिए कपड़े क्लोथ मतलब वेट ही रहते हैं, तो गिव रीज़न, उसका हमें रीज़न बताना है। ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर इज अ फुल ऑफ वाटर वेपर, यानी ह्यूमिड डे जो होता है उसमें ये जो फुल वाटर वेपर होता है, फुल पानी होता है, हैंस इवापोरेशन इज अ वेरी स्लो, यानी हैंस वो जो इवापोरेशन होता है वो स्लो होता है, दिस इज द रीज़न, वो रीज़न होता है उसका, तो वाई वेट क्लोथिड, जो क्लोथिड वेट होते हैं इसका रीज़न, टेक लॉन्गर टाइम ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे, यानी वो लॉन्गर डे ह्यूमिड डे में वो कपड़े वेट ही रहते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीसेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, तो क्या आएगा उसका आंसर, मतलब अमाउंट, मतलब जो इंसोलेशन ऑफ अमाउंट है वो डिक्रीसेस होता है इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स में, तो उसका रीज़न, इंसोलेशन कम थ्रू वर्टिकल रेज ऑन अ इक्वेटर, वो क्या वर्टिकल रेज में इक्वेटर पर थ्रो होते, दस इट कवर अप लेस स्पेस बट वी फील मोर हीट देयर व्हेन इट गोज अप फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल्स, यानी वो हीट प्रेजेंट करता है, क्या करता है, ही हीट फील करता है मोर में, तो इट गोज अप फ्रॉम इक्वेटर, वो भी किसके पर, इक्वेटर पर, टूवर्ड्स पोल्स, द सन रेज बिकम स्लैंटिंग, सन रेज कैसे होते हैं, स्लैंटिंग लाइन में हम देखते हैं सन के रेज, तो स्लैंटिंग होते हैं, नीडलेस टू से दैट स्लैंटिंग रेज कम ऑन द अर्थ, इसलिए वो नीडलेस कैसे स्लैंटिंग रेज में होते हैं अर्थ पर, कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस, वो भी लॉन्गर डिस्टेंस में कवरिंग करते हैं, ऑल दो दिस स्लैंटिंग रेज हीट अप मोर स्पेस, यानी उसको मोर स्पेस भी चाहिए वो स्लैंटिंग होते हैं, इसलिए द डिग्री ऑफ हॉटनेस इट फेल्ट लेस, यानी उसकी डिग्री जो होती है वो हॉटनेस की वो फेल्ट लेस होती है, दिस इज द रीज़न वाई अमाउंट ऑफ इंस्टॉलेशन डिक्रीसेस ऑफ इक्वेटर टूवर्ड पोल्स, ये अमाउंट होती है। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर फन, फन है, सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, तो हमें ये सॉल्व करवाना है, जो क्लूज है वो सॉल्व करने का है, ये डाउन हुए और ये एक्रोस है, यानी डाउन मतलब ऐसे डाउन हो गए और ये जो एक्रोस है वो ऐसे हो गए, तो हम फर्स्ट देखें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, तो ये क्या है, किसमें होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट में लिखना होगा, क्या आएगा, ह्यूमिडिटी, क्या आएगा, ह्यूमिडिटी, H U M I D I T Y,
उसके बाद है कंडीशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटमोसफियर। तो जो पर्टिकल एटमोसफियर की कंडीशंस है वो कंडेंसेशन है वो क्या है, तो क्या आएगा सेकंड में क्लाउड, ये सेकंड है उसमें लिखेंगे क्लाउड, CLOUD क्लाउड। थर्ड है एग्जाम्पल ऑफ लोकल वाइंड ब्लाउंग इन समर और इन नॉर्थन इंडिया, ये समर इन नॉर्थन इंडिया में उसमें जो लोकल वाइंड ब्लोइंग का एग्जाम्पल क्या होगा, तो लू, LOO, वो हमने आगे देखा था। उसके बाद है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, शॉर्ट टर्म में चेंजेस मतलब एटमॉस्फेयर में चेंजेस होता है वो क्या, हमें आगे अभी देखा था, वो ठीक करेक्ट आंसर में क्या होगा WEATHER वेदर। उसके बाद फिफ्थ होगा प्रिसिपिटेशन इन लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो हमने आगे देखा था अभी ही, कौन सा क्या होगा फिफ्थ में आएगा RAIN रेन। इसके बाद ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ अराउंड द अर्थ यानी वो ब्लैंकेट की तरफ अराउंड अर्थ में होते हैं वो क्या होता है, वो हमें किस में लिखना है, सेवेंथ नंबर में, तो क्या आएगा सेवेंथ नंबर में वो एटमॉस्फेयर होता है, क्या होता है एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर। उसके बाद नाइन्थ है इंस्ट्रूमेंट टू मेजरमेंट प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजरमेंट प्रेशर कौन सा होगा, क्या आएगा ये बैरोमीटर। उसके बाद है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन वो क्या होगा, वो हमें लिखना है यहाँ पर टेन नंबर में, तो क्या होगा इंसोल। उसके बाद रिड्यूस विजिबिलिटी इन विंटर्स, क्या होगा रिड्यूस विजिबिलिटी इन विंटर में 13 नंबर में लिखना है फॉग। इट इज कौन सा टाइम व्हेन सन इज ओवरहेड, तो क्या आएगा सन इन ओवरहेड कौन से टाइम में होता है, नून में। एन इंडियन ट्री हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक, तो क्या आएगा इंडियन ट्री मतलब इंडियन ट्री हैविंग में क्या आएगा, कौन सा ट्री जो होता है वो होता है पीपल, कौन सा ट्री आएगा पीपल। गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइंग ओनली 0.03% बाय वॉल्यूम, तो क्या आएगा किसके होती है मतलब गैस में 0.03% बाय वॉल्यूम की होती है, तो कौन सा आएगा एक नंबर में कार। इसके बाद आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट कौन सा होगा, 11th नंबर में आएगा एग्जोस्फियर। मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस क्या होगा 12th नंबर में एयर। उसके बाद लाइफ गिविंग गैस, तो क्या होगा 14 नंबर में, ये 14 नंबर है उसमें आएगा ऑक्सीजन। एयर इन मोशन तो वाइंड,
एन इंडियन ट्री वैल्यूड हाईली फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो क्या आएगा 16 में, कौन सा जो ट्री होता है वो नीम का। गैस प्रोवाइडिंग अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, गैस प्रोवाइडिंग करते हैं वो हार्मफुल सन रेज। तो क्या आएगा एटीन नंबर का, तो ओजोन। और इसके बाद लो प्रेशर एरिया, तो क्या आएगा साइक्लोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मेक अ वेदर कैलेंडर फॉर वन वीक, यूज पिक्चर और सिंबल्स टू शो डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, यू कैन यूज मोर देन वन सिंबल इन डे इफ द वेदर चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल द सन कम आउट व्हेन रेन स्टॉप एन एग्जाम्पल गिवन बिलो। यानी फर्स्ट दिया है हमें एग्जाम्पल में, तो ऐसे हमें अलग अलग प्रकार के ऐसे सिंबल पिक्चर्स बनाने हैं और उसके वो कौन कौन से टाइप के वेदर होते हैं वो हमें लिखना है। तो ऐसा सन जैसा डे हो जाता है सनी डे, ऐसे फिर सिर्फ क्लाउड ही होते हैं तो क्लाउडी डे, फिर ऐसे क्लाउड में ऐसे बारिश के जैसे टिपक रहा है टप तो रेनी डे, ऐसे ट्री है ट्री में से ये जो लीव्स है वो नीचे गिर रहे हैं, ऐसी कौन सी सीजन है कौन से वेदर है तो स्टॉर्मी डे, और ऐसे पूरा डे मतलब ऐसे ट्री होता है तो काम डे। तो स्टूडेंट्स ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी होगी।